रंग चेहरे दौड़ा कैसे ये तुम्हारी है। बादी फिर वही बात मुझे दोहराना पड़ रहा है कि आज मेरे सुहाग की रात और मेरे स्वामी मुझे छोड़कर आसाम चले गए। ये बताइए सुहाग रात जीवन में एक बार आती है। सही बात है रानी, लेकिन बादी करूं तो क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। नशा है इसका गम की तरह दीदारी है और बागवा चल दिया, बागवा चल दिया हर दुखे पर। रानी जी एक हफ्ते के बाद महाराज आ जाएंगे ना। एक हफ्ता इंतजार मैं नहीं करूंगी, जा करके फूल से मेरा तनता कहना। मेरे देवर फूल से जी जी, जा करके फूल से मेरा तनता कहना। और याद भाभी ने किया, याद भाभी ने किया हर महल में तुम्हारी है। मेरे देवर फूल सिंह के पास जाओ जी हरान, उनसे कहना तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही है। अगर और कुछ बात पूछे तो कुछ बताना नहीं रानी जी, क्योंकि ये सुहाग रात का दिन है आज, इसलिए जाओ मेरे देवर को बुला कर ला। यहाँ आप सुहाग रात के दिन देवर का क्या काम है? तुम ऐसा मत पूछो मुझे देवर से क्या काम है, तुम केवल यही काम करो जाओ बुला कर लेकर आओ, बोला तो तुम्हारी भाभी याद की है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। आने दो मेरे देवर फूल सिंह को, फिर उनसे कुछ बातें करूंगी। खैर ठीक है, आने का इंतजार करते हैं। अरे आई सुहाग की रैना, आई सुहाग की रैना पलम पर चलती हूँ और अंदर महल में देखती हूँ देवर जी कहाँ हैं। हेलो यारे बढ़िया, राम तीरथ में अरमर अरबर सरैया गांव के निवासी 501 रुपए का व्यवहार
हमारे बहन को लाख लगे कहना है। हाय बादी, इतनी रात को? जी हाँ, कुछ काम है, कुछ काम है। क्या बात? सुनिए, बतला रही हूँ। और करी रही छोटे सरकार ये बादी अरज, छोटे सरकार बादी अरज। और सुनिए दे ध्यान है, सुनिए दे ध्यान है, भाभी ने किया और बुलवाया महलों के दरमियान है। चलिए छोटे सरकार। बाजी जी हाँ, मेरी बात सुनो। कहिए। तो रात में क्यों बुलाया महल में मुझे, रात में क्यों बुलाया महल में मुझे, इस कदर दे पता पादी क्या बात है, राज पिन्हा जो पीटी करो सब बया, सच बताओ मुझे कुछ पाओ। छोटे सरकार, राज पिन्हा कुछ नहीं, बस महारानी जी ने कहा जाओ भुला लाइए। ठीक है बाजी। जी हाँ। तुम्हें नहीं मालूम है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। जाओ। जी हाँ जाओ। लेकिन बात सुनो। कहिए। ठहरो बाजी। और तुम चलो महल को, मैं अभी आ रहा, चलो महल को मैं आ रहा। तुम चलो महल को मैं अभी आ रहा, और कहना भाभी से तेरा देवरिया रहा। तो हुक्म पे उनके चलना मेरा धर्म है, और इसीलिए आ रहा, इसीलिए आ रहा। बांधी तुम चलो और भाभी से बोल देना आपका देवर फोर से आ रहा है। ठीक है राजू। जाओ खुश रहो। लेकिन एक बात समझ में आती,
इतनी रात को भाभी माँ ने मुझे क्यों बुलाया समझ नहीं आता, क्योंकि जाना तो पड़ेगा है। चलता हूँ भाभी के पास। हेलो, ब्रजेश कुमार इसी गांव के निवासी भैया के तरफ से 501 रुपए का व्यवहार हमारी पार्टी को लाख लाख धन्यवाद एक बच्ची के तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार एक कहना है जरूर। कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से ले ले दिखाने आजा। क्या बताऊं, अभी तक वादी नहीं आई, काफी समय हो रहा है। खैर ठीक है, थोड़ा देर और इंतजार करती हूँ। महारानी की जय हो। जी हाँ जी, ये बताओ उमर सिंह आ रहे हैं? हाँ हाँ, राजकुमार आ रहे हैं। क्या कहा? वो बोले चलो तुम महारानी के पास, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक, और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो आ जाना। जी जी, और तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। बैठे आने दो कुंवरपुर सिंह, उन्हीं का इंतजार है मुझे। भाभी जी मेरा करो तुम आता बेको, भाभी जी मेरा करो तुम आता बेकबूल, और बुलवाई क्यों रात को, करता अर्ज है भोर। अरे पड़ गया इस घड़ी, कहिए क्या काम है। पड़ गया इस घड़ी, कहिए क्या काम है। गया इस घड़ी, कहिए क्या काम है, और मुझको बुलवाई महीनों